मछलियां भी खुश हो गई ये जानकर कि आदमी ही आदमी को जाल में फंसाने लगा है। सांप बेरोजगार हो गए हैं, अब आदमी ही काटने लगा है। कुत्ते क्या करें, तलवे भी तो अब आदमी चाटने लगा है। क्या आपको पता है कि हमें सबसे ज्यादा दुख कौन देता है? जिंदगी में सबसे ज्यादा दुख बीता हुआ हमारा ही सुख हमें देता है जनाब, वही सुख जिसे पाने के लिए हमने दिन रात एक कर दिए थे। इसीलिए चैन से जीने के लिए सिर्फ सुकून ढूंढिए, जरूरतें कभी खत्म नहीं होंगी। दोस्तों, इस दुनिया की कड़वी सच्चाई तो ये है, मरने वाले को रोने वाले हजार मिल जाएंगे, लेकिन जो जिंदा है उसे समझने वाला एक भी नहीं मिलेगा। इसीलिए किसी के चक्कर में अपनी जिंदगी खराब मत करना। जिसको याद करके आप रो रहे हो ना, वो किसी और को खुश करने में व्यस्त होगा। आज के जमाने में तो सच बोलना भी एक गुनाह है दोस्तों। कुछ लोग आपसे सिर्फ इसीलिए नफरत करने लग जाते हैं क्योंकि आपकी कही गई सही बात उन्हें कड़वी लग जाती है। लोगों ने बताया कि वक्त बदल जाता है, लेकिन वक्त ने बता दिया कि लोग बदल जाते हैं। और जब सब बदल ही जाते हैं तो आप भी समय के साथ बदलना सीख जाओ। जिंदगी की परीक्षा कितनी वफादार होती है, इसका पेपर कभी लीक नहीं होता। इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जिसको ये पता हो कि कल क्या होने वाला है। फिर भी ना जाने लोग क्यों कल की फिक्र करते करते अपना आज खराब कर लेते हैं। जरा गौर कीजिए, ये आज वही कल है जिस कल की कल आपको फिक्र थी। पलटकर जवाब देना बेशक गलत है, लेकिन सुनते रहो तो लोग बोलने की हदें भूल जाते हैं। इसीलिए फिजूल के लोगों को या तो मुंह मत लगाओ या फिर उन्हें अपनी औकात बता कर रखो, ताकि वो ज्यादा आपके सर पर न चढ़े। और जो ज्यादा आपकी गलतियां निकाले उसे ये कह देना, बहुत गिनाते हो तुम औरों के गुण दोष, जरा अपने अंदर झांक के देखो, उड़ जाएंगे होश। दोस्तों, लोग गलत कहते थे कि आप खाली हाथ आए हो और खाली हाथ जाओगे। आप खाली हाथ नहीं जाओगे, आप ना जाने कितने लोगों का भला करके जाओगे, कितने लोगों का जीवन सुधार कर जाओगे, कितने अच्छे काम करके जाओगे, और उन सभी चीजों का पुण्य आपके साथ रहेगा। ये दुनिया आपको अपने अच्छे कामों के लिए याद रखेगी, कम से कम वो तो आपका एहसान मानेगा जिसके लिए आपने कुछ अच्छा किया हो। इसीलिए अपने आप को जीवन में इतना काबिल बनाइए कि दूसरों की जरूरत पड़ने पर मदद कर पाएं, क्योंकि आप खाली हाथ नहीं जाएंगे, अपनी अच्छाइयों का हिसाब लेकर जाएंगे। ये बात 100% सत्य है। दुआएं जमा करने में लग जाओ साहब, खबर पक्की है, दौलत और शोहरत साथ नहीं जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो में कही गई बातों से अगर आप सहमत हैं तो इसको किसी न किसी के साथ शेयर जरूर कीजिए। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, जो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को भर दे और आपको दिखाए एक सही दिशा। सुनते रहिए मन की आवाज़।